आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सुल्तानगंज पुलिया पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब महापौर नवीन जैन चौराहे का सौंदर्यकरण कराने जा रहे हैं। सुल्तानगंज पुलिया बिकल चौक के सौंदर्यीकरण का काम तेज गति के साथ चल रहा है। चौराहे के सौंदर्यीकरण के लिए व्यापारी नेता मुरारीलाल गोयल का काफी संघर्ष रहा है। लंबे समय से मुरारीलाल गोयल चौराहे के सौंदर्यीकरण के लिए प्रयास कर रहे थे। ये कहना कि सुल्तानगंज चौराहे की, सुल्तानगंज पुलिया की सूरत और सीरत, सौंदर्यीकरण, वृक्षारोपण और एक ऐसा खूबसूरत चौराहा आज शहरवासियों को और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस आगरा का जो नाम है, जहां हजारों देशी और विदेशी पर्यटक इस क्षेत्र से निकलते हैं, इस रास्ते से गुजरते हैं, उनके लिए यूँ तो हर चौराहा एक बहुत सुंदर चौराहा बनता चला जा रहा है, लेकिन सुल्तानगंज चौराहे को वाकई आज अगर देखेंगे आप और जो भी यहाँ से निकलता है, वो आज ये कहता है कि हाँ, इस शहर का कोई ऐसा प्रमुख चौराहा है जो कि एक सौंदर्यीकरण से भरा हुआ है। कुछ महीने पहले इस चौराहे की वास्तु स्थिति क्या थी, किसी से छिपी नहीं है, लेकिन नगर निगम और व्यापारी नेता मुरारीलाल गोयल के प्रयासों से अब तस्वीर पूरी तरीके से बदली हुई दिखाई दे रही है। हमने लगभग 12-13 हज़ार स्क्वायर फीट काम कर दिया अभी आगरा में। ये उधर वाली पेंटिंग भी बनाई है महाभारत की, और ये अभी स्टार्ट हुआ है कल परसों से काम। इसके बाद में जो है माल रोड पे काम होगा। क्या ब्रिज की थीम दे रहे हैं या और भी कुछ थीम है? नहीं, जो ये ब्रिज की थीम जो है, जो पुलिया है ना सुल्तानगंज की, यहीं पर कर रहे हैं, और बाकी जो एरिया होता है उस हिसाब से नगर निगम वाले बताते हैं, उस हिसाब से हम बनाते हैं। आगरा को स्मार्ट सिटी बनाने का काम तेज गति के साथ चल रहा है। इस दौरान तमाम परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। स्मार्ट सिटी का काम कब तक पूरा होगा, ये कहना मुश्किल है। अनिल कुमार, सी न्यूज, आगरा।